बोला ना, पांच दो मिनट में दिल की चिड़ी बाग तमन्ना में बाहर आई और घड़ी खुशी की लेकर रहमते परवरदिगार आई। रब्बुल आलमीन का लाख लाख शुक्र है कि उसने एक बहुत ही मौजूदा पाकिस्तान नए काम में शिरकत करने की हमें तौफीक अता फरमाई है। हाजी महबूब देवड़ा साहब का परिवार रहमत मनोवर खिदमत खल्क हाजी मनोवर खान देवड़ा साहब का परिवार शुक्रिया का मुस्तहिक है कि यह लगातार दूसरा वर्ष है जब इन्होंने अपनी तरफ से सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन फतेहपुर शेखावाटी की सरजमी पर किया है। पिछले साल 21 जोड़ों को हम सफर बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोकप्रिय विधायक हाकम अली खान साहब हमारे बीच तस्वीर ला चुके हैं इस खास प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। मैं विधायक जी से गुजारिश करूंगा आप मंच पर स्थान ग्रहण करें। एक मिनट पूरा सर आप दोनों को मुबारकबाद पेश करेंगे ऐसी मेरी आपसे गुजारिश रहेगी। सभापति हाजी अनवर देवड़ा साहब मंच के करीब पहुंचे, मंच पर बता रहे हैं। एक एक सौ मुश्ताक नजमी साहब सभापति नगर परिषद नासिर सैयद खड़े होके सर बहु सामने देखो ओके सर मंच पर स्थान ग्रहण करें। ओके सर उप सभापति प्रतिनिधि अजय जी गिरवा ओके सर मंच पर आसन ग्रहण करें। सर मंच पर पधारें। सर हाजी मुस्तफा देवड़ा ओके सर मंच पर स्थान ग्रहण करें। दुल्हनों से मिल रहे हैं उनको मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। सर कैमरा लोग सर ओके सर थोड़ा सा सर देखिए सर सर फतेहपुर शेखावाटी के लोकप्रिय विधायक जनाब हाकम अली खान साहब नगर परिषद सभापति मुश्ताक नजमी साहब उप सभापति प्रतिनिधि अजय रेणुवाल जी अनुराग खान देवड़ा और इनका पूरा परिवार सर 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 दूल्हों को मुबारकबाद पेश कर रहा है। 25 यह सामने जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन सर क्या बोलो ओके सर एक एक दो दो बच्चों की शादियों में हम महसूस कर सकते हैं कि सड़क से सर मशक्कत करनी होती है और ये लगभग 50 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन। हाँ जी सर मेरी बोलता राजस्थान के चैनल पर आज महबूब देवड़ा साहब से बात हो रही थी तो उन्होंने इसका रीजन ये बताया सर इनके वालिद साहब मुनव्वर खान देवड़ा इनफरादी तौर पर इस तरह के प्रोग्राम करते रहते थे जरूरतमंदों की मदद करना उनकी शादी में मदद करना उनकी और तरह से मदद करना तो ये बता रहे थे कि लोगों से उनको सूचना मिली ये जानकारी मिली तो उसी रस्म को वो लोग और उनका परिवार आगे बढ़ा रहा है। दोनों को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं उनका परिचय भी ले रहे हैं। सरकारें भी ऐसे कार्यक्रम को प्रमोट करती हैं और सर 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 मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हुक्म है इस तरह का कार्यक्रम इज्तिमाई कार्यक्रम है वो होने चाहिए सर देखिए आम होने चाहिए इस तरह के कार्यक्रम सर देखिए सर ओके सर ऐसी आए तमाम मेहमानों से भी सर देखिए इस तरह के कार्यक्रम होते रहे इसके लिए हमें हम सबको प्रयासरत रहना होगा। मंच पर ही रहेंगे एमएलए साहब और उनकी टीम क्योंकि देवड़ा परिवार आपके स्वागत के लिए तैयार है। मात्र दो मिनट में मंच की तरफ से दो स्वागत की सम्मान की इस्तकबाल की रस्म है वो हम लोग अदा करना चाहेंगे। सर 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 ओके सर 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 ओके सर हाजी महबूब देवड़ा साहब से गुजारिश करूंगा कि विधायक महोदय का माल्यार्पण कर स्वागत करें। अनुराग खान देवड़ा से गुजारिश करूंगा कि पगड़ी पहनाकर सभा पहनाकर एमएलए साहब का स्वागत करें व्यवस्था की इन्होंने। शोल व्यक्ति के लिए अनुराग खान देवड़ा
पिछले माइक के साथ में बाबूजी कैमरा पीछे कर लो जूम भी आ गया ऐसा तेल में साफ कर दीजिए। उपसभापति महोदय आ रहे हैं। सामने देखो भाई साहब अजय जी डेढ़वा उपसभापति प्रतिनिधि नगर परिषद फतेहपुर शेखावाटी क्या हो सारे सी राशि सैयद मैं हाजी साहब से गुजारिश करूंगा कि आप हमारे विधायक महोदय के सम्मान में भी और आए हुए मेहमानों के सम्मान में भी चंद अल्फाज आप कहेंगे हाजी महबूब देवड़ा साहब और उसके बाद एमएलए साहब को हम सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज देवड़ा गार्डन के अंदर जो 25 जो शादियां हो रही है अल्लाह लाख लाख शुक्र है कि मेरे वालिद ने जो बताया था उस रास्ते पे हम चल रहे हैं और उनके बताए हुए रास्तों पे ही हम सब भाई जो देवड़ा परिवार के हैं वैसे ही चलते रहे और अल्लाह जब सबकी किस्मत का दे रहा है तो हम हमारे सब देवड़ा परिवार भाइयों की यही तमन्ना है कि जो भी समाज सेवा हो चाहे मेडिकल के अंदर हो चाहे शादी ब्याह के अंदर हो ऐसे कुछ भी हो उनकी जैसे भी हेल्प होते रहे वो हेल्प हम करते रहे यही देवड़ा परिवार का सबका मकसद है। आप लोग सब इधर आए सब बच्चों को दुल्हन को सबको आशीर्वाद दो दुआ अपनी दुआओं से नवाजे यही आपसे इल्तिजा है और सब खाना खा के जाए। अस्सलाम वालेकुम। आज इस रहमत मनोर खिदमत खलक सामूहिक युवा सम्मेलन में मैं बधाई देना चाहूंगा मुबारकबाद देना चाहूंगा सभी दूल्हे और दुल्हन को। आज उनकी निकाह हो रही है उम्मत रसूल अदा हो रही है इसलिए सबको बहुत बहुत मुबारक और धन्यवाद देना चाहूंगा मैं देवड़ा परिवार को कि इन्होंने एक नई पहल पिछले साल से शुरू की एक सामूहिक युवा सम्मेलन करने की और पूरा जो जरूरतमंद हैं उनके सपने पूरे करने की। अभी महबूब भाई बता रहे थे चाहे मेडिकल हो चाहे और दीनी इदारा हो चाहे कोई शिक्षा का इदारा हो चाहे कोई सामूहिक युवा सम्मेलन हो या और कोई चैरिटी हो जिसमें सहायता की जा सकती है उसमें कभी भी हमने महबूब भाई को बाहर लेने मना नहीं किया। मेडिकल की बात बताऊं तो मैं 15 दिन पहले की बात है कि इन्होंने नानोका हॉस्पिटल में आईसीयू बनाया था और मैं वहाँ कोई एक्सीडेंट केस था उसके लिए चला गया ट्रोमा सेंटर के अंदर। मैंने कहा आईसीयू रूम भी देख लेते हैं तो जब मैं आईसीयू रूम में गया तो वहाँ के स्टाफ ने कहा मरीज को कि ये एमएलए साहब हैं और इन्होंने बनाया है। वो मरीज मेरे को कहता है महिला भी बुजुर्ग कहा बेटा भगवान तेरो बलो करसी तू यार को दूर को काम करो तो मैं बिन गया माँ माजी मेरो पनियों के महबूब का है देवड़ा हुआ आपके वालिद साहब के इस वाले स्वभाव के लिए करे बोले भाया जो भी करे हो मेरी भी दवा है चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है लेकिन मेरी तो ऊपर से आई दवा है ऊपर तो एक ही है भगवान अल्लाह बिन मालिक बिन दुनी रात मेरी उम्र भी के लाग जाए मेरी हर प्रार्थना भी के लाग जाए यार की दुआएं मिल रही हैं। आपको बताऊं कि लोग इलाज के अभाव में बहुत तड़पते थे उनको भी इलाज मिल रहा है इसलिए महबूब भाई को बहुत बहुत आभार धन्यवाद और मैं तो यही दुआ करूंगा अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इस बार इन्होंने 25 शादियों जोड़ों की शादियाँ करवाई है अगली बार अल्लाह ताला इनको इतनी
हिम्मत दे और करे, अगली बार 50 करोड़ों के साथ ये करवाए, यही हमारी दुआएं हैं। और दो अल्लाह की राह में निकालता है तो अल्लाह ताला फिर सख उसको उसके जान देता है और रोटी भी देता है, क्योंकि रोजी में भी बरकत हो, इनके बिजनेस में भी बरकत हो, यही हमारी दुआ है। एक बार फिर मैं दुल्हा और दुल्हन मुबारकबाद देते हुए इनका शुक्रिया अदा करते हुए जय हिंद शुक्रिया। शहर काजी गुलाम मुर्तजा साहब निकाह की रस्म है वो अदा करवा रहे हैं। मुसम्मात नाजिया बिन अब्दुल बासित साहब ने भी रवजे की सुरभिया महर मवजद सिराजुल वक्त मैनानत और सुबला के वकील की वकालत दोनों गवाहों की गवाही से हाजिर मजलिस के रूप में आते नाजिया को अपने निकाह में कबूल किया। मुसम्मात नाजिया बिन अब्दुल बासित साहब ने भी रवजे की सुरभिया महर मवजद यानी हजरत के वकील की वकालत दोनों गवाहों की गवाही से हाजिरी मजलिस के रूप रूप के आपने नाजिया को अपने निकाह में कबूल किया। अब्दुल बासित साहब ने भी लेवर जी की सुरभिया महर मवजद सिराजुल वक्त मैनानत का सुपना की वकील की वकालत दोनों गवाहों की गवाही से हाजिर की मजलिस के रूप रूप के आपने इनाबादों को अपने निकाह में कबूल किया। अस्सलाम वालेकुम। गांव आपका? जुबैर। गांव? फतेहपुर। फतेहपुर के हो सर? अस्सलाम वालेकुम। नाम आपका? इस्लाम। और गांव? माशाल्लाह। देश भाई दो है क्या? तीन। नाम? मोहसिन। गांव? अस्सलाम वालेकुम। नाम आपका? समीर। गांव? रिंगस। गुड। अस्सलाम वालेकुम। नाम आपका? शाहरुख खान। गांव? चुड़ी मियान। अस्सलाम वालेकुम। नाम आपका? सैयद नईम। गांव? अमरोदी। कहाँ है अमरोदी? महाराष्ट्र। वेरी गुड वेरी गुड। आउट ऑफ स्टेट। सामूहिक विवाह का नजारा आप देख रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, सबकी एक जैसी ड्रेस है। इधर पहले खाना खुलवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबकी एक ही जैसी ड्रेस है तो आयोजकों की तरफ से ये एक जोड़ा भेंट किया गया है ऐसा लग रहा है। सामूहिक विवाह सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं, दुल्हनों को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं क्षेत्रीय विधायक हकम अली खान फतेहपुर शेखावाटी से। आप अपनी स्क्रीन पर यह नज़ारा देख रहे हैं, एक ही जैसी ड्रेस सारी दुल्हनों की। तो पूरा का पूरा खर्चा है वो देवड़ा परिवार की तरफ से उठाया गया है इस शादी का। और देवड़ा परिवार की ये दूसरा प्रोग्राम है इनका इस तरीके का, और ये इस तरीके के प्रोग्राम करते रहते हैं। और ये किसी भी फील्ड में हो गरीब लोगों की मदद करते हैं। हम तो मालिक से दुआ करते हैं कि देवड़ा परिवार को और तरीके तक होना।
ये गिफ्ट है, दुल्हनों को भेंट किए गए हैं। देवड़ा परिवार की तरफ से शादी की कोई शुल्क जैसे सामूहिक विवाह सम्मेलन में ली जाती है वैसे नहीं ली गई है। तो कल कह रहे थे महबूब देवड़ा साहब की सुई से लेकर सोने तक देवड़ा परिवार की तरफ से रहेगा। तीन सगी बहनें यहाँ निकाह में विवाह के बंधन में बंधने जा रही है। इनका नाम क्या है? नाजिया, हिना और रहीसा, आयशा। आयशा, हिना और नाजिया तीनों सगी बहनें हैं, अब्दुल वासी साहब की साहबजादी हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। फतेहपुर शेखावाटी से हैं आप, शेखावाटी में। इस तरह से 25 दुल्हन है, ये 25 जोड़े हैं, 25 लड़कियां हैं, 25 लड़कियां बखूबी अपने अपने घर पहुंच जाए और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आठ साल भी आते हैं। आप पिछली बार भी जैसे 21 शादियाँ हुई थी, आपने ही आपके चैनल से किया था, कपिल जी ने अपने इससे किया था, वो शादी जो 21 शादी हुई थी ऊपर वाले कर्म फसल से, वो 21 की 21 शादी सक्सेसफुल रही। और उसके बाद वापस अभी 25 जो शादियाँ हैं जो कर रहे हैं, ऊपर वाले से यही दुआ है कि ये भी शादियाँ जो है पूरी इनका अच्छे से घर बसे, ये अच्छे से सक्सेस रहे अपने जीवन में, आज स्केल के रहे, यही बस इतना ही कहूँगा। और ये जो शादियाँ है, हम कौन है करने वाले, ये ऊपर वाला करवाता है, हम तो सिर्फ एक जरिया हैं। तो जरिया है वो जरिया बस, जो ऊपर वाला जिसको भी काम में ले ले, सिर्फ ऊपर वाले ने हमको इस चीज़ के लिए एक काम में लिया है कि तुम्हारे हाथों से ये काम होना है, मगर सब करने वाला करवाने वाला तो ऊपर वाला ही है। अस्सलाम वालेकुम जी, पिछली बार आपसे बात हुई थी, कह रही थी ये सारी हमारी ही बेटियाँ हैं, तो बेटियों का कुनबा बढ़ कर अब 21 और 25 46 हो गया है, कैसा लग रहा है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, अब इतनी बेटियाँ हो गई, हमें तो बेटी थी नहीं, दो लड़के ही हैं हमारे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इतनी लड़कियाँ हो गई हैं, बहुत खुशी हो रही है। जब पुरुष हजरात, मर्द हजरात ऐसे कामों में आगे आते हैं, अमूमन घरों से ये सलाह मिलती है तो हमने तो अपनों का कर दिया वही बहुत है और दूसरे काम कर लेंगे, क्यों ऐसे कामों में जाते हो? आपकी तरफ से नहीं होता क्या ऐसा? नहीं नहीं, मैं तो इन्हें और बढ़ावा देती हूँ कि आप नीयत अच्छी रखिए, अल्लाह आपको और देगा और ज़्यादा लड़की देगा। तो यही बहुत ही बड़ी बात। नाम आपका? नूरजहाँ देवड़ा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? आप बताएंगे क्या प्रोग्राम चल रहा है यहाँ आज? किस चीज़ का हो रहा है? शादियाँ का हो रहा है, शादियाँ चल रही है। नाम क्या आपका? मरियम। मरियम पोती है क्या? पोती है मेरी पोती। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये देवड़ा परिवार की ड्रेस कोड भी आप देख सकते हैं, इस ड्रेस में जो नजर आ रहे हैं ये देवड़ा परिवार के मेंबर्स हैं आपको सारे के सारे, तो बहुत ही शानदार विवाह सम्मेलन जिसमें हमारे जरिए आप लोग भी सारे सब लोग शिरकत कर रहे हैं। थैंक यू। नाम आपका? बोलो फातिमा, क्या प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पता आपको? वेरी गुड। आपका नाम? जाहिदा। महबूब की बहन हो आप? महबूब जी की। और ये? ये मेरा इजान जो। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, नाम आपका? नायरा। बोलो। नायरा। ये नायरा है, वेरी गुड नायरा, थैंक यू। हाँ शाहीन, शाहीन देवड़ा, पुत्र वधू हो गया आप? बहू, समझ गया मैं। आप इनकी बेटी हो, आपके पापा क्या नाम है? अफसार देवड़ा। अफसार देवड़ा, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। 25 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन चल रहा है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम क्या है? ये हैं शहनाज। और गांव आपका? बीकानेर से शहनाज आई हैं। और क्या क्वालिफिकेशन है, कहां तक तालीम हासिल किया आपने? एमए। सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट है? हिंदी लिटरेचर से एमए आपने किया है। तो ये जो इज्तिमाई शादी का कार्यक्रम है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम अटेंड किया है मैंने, फर्स्ट टाइम ही देखा है। फर्स्ट टाइम देखा आपने इस तरह का?
तो कहाँ ससुराल कहाँ आपका? हनुमानगढ़ है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से ये कागजात भी तैयार हो रहे हैं ताकि निकाह नामे में और विवाह के पंजीयन में किसी तरह की दिक्कत नहीं आए। क्या शबनम नाम बताएगा आपने? शहनाज, जो हनुमानगढ़ ब्याह कर जाएंगी बीकानेर से। क्या बीकानेर से? तो इसकी शादी सम्मेलन की जो एक खुशबू है वो बहुत दूर तक फैली है जी। एमए बीएड ग्रेजुएशन सारे हैं, सब एजुकेटेड बच्चे इन कार्यक्रमों को बढ़ावा देंगे। तो फिर ये है शहनाज, आपने तो कम जिले बताए थे, बीकानेर से हैं ये और हनुमानगढ़ जाएंगी। बताओ उनको पूरा, देखो कहाँ तक बता दी, बात हो गई इतनी होती है। वो जो बीएड है वो उधर है और ग्रेजुएशन वाले, ये नीमगढ़ थाना से है। और आप हैं सबीना, कहाँ से हैं? बीकानेर से। सबीना है, बहन हो क्या आप दोनों? कजन सिस्टर हैं। सगी बहनों की तीन की यहाँ निकाह हुई है फतेहपुर सकावटी की। ये मुस्कान बानो हैं, आप हैं फारूका, फारूका नाम है, उत्तर प्रदेश से। माशाल्लाह, फारूका उत्तर प्रदेश से हैं। ये मेरुना भी उत्तर प्रदेश से हैं। और ऐरा क्या, समीरा, समीरा भी कहाँ से हो आप? खेतड़ी से, खेतड़ी झुंझुनू से। और आप एमून, एमून खातून कहाँ से हो? उत्तर प्रदेश। कहाँ के हैं? महाराष्ट्र। हाँ, उत्तर प्रदेश। हाँ, बिहार। हाँ, और हनुमानगढ़ बीकानेर गंगा। जाहिदा हो आप? नाहिदा। नाहिदा, वो जाहिदा दूसरे अभी मिले थे। हाँ, तो नाहिदा जाहिदा बहन है क्या दोनों? चाचा की लड़की है, मैं मनोवर देवड़ा की लड़की हूँ। आप बहन हो उनकी? महमूद की बहन हूँ। हाँ हाँ, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे अप्पा का नाम दोबारा आ रहा है हर जगह। माशाल्लाह, और वो भी ऐसे ही करते रहते थे ऐसे प्रोग्राम? ऐसे ही करते रहते थे हमारे अप्पा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। छोटी छोटी हो आप ना? बोलो, बोलो। मैं तीसरा नंबर हूँ, दो एक छोटी हो रहे मेरे से। वेरी गुड, माशाल्लाह। फतेहपुर शेखावाटी गवाह बन रहा है एक ऐतिहासिक कार्यक्रम का। एक मिनट अजान तक हम ब्रेक ले लेते हैं, फिर दोबारा आपसे मुखातिब होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नाम आपका? मुनज्जा। पापा का? मुस्तफा देवड़ा। नरवान। तो आप क्या लगते हो इनके महबूब साहब की? ये भांजी है। पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो? क्या कर रहे हो? वेरी गुड, ये ग्रेजुएशन कर रही है। सब्जेक्ट क्या क्या आपके? होम साइंस, समाजशास्त्र और अंग्रेजी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर। वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम, भाई क्या हाल चाल है? ठीक है, तबीयत पानी? कत्ता जोड़ा की शादी है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हाजी महबूब देवड़ा साहब की वालिदा मोहतरमा है, नाम क्या है? आ रहा हूँ। आप ये बताएं कितने जोड़े हैं आज जो निकाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं यहाँ? 50 जोड़े, 25 लड़कियाँ, 25 लड़के। 50 जन हैं, 25 जोड़े हैं। तो आपका इसमें गिरामी क्या है, नाम क्या आपका? मुबारक। नूर बानो। नूर बानो, तो आप बता सकते हैं कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ से ये मन में आया कि कैसे क्या करना चाहिए आप अपन को, ये कहाँ से शुरुआत हुई? ये हमारे देवड़ा जी के मिजाज है सर, हमारे सुशील जी के मिजाज को ये सब। मुनव्वर जी देवड़ा साहब करते थे ऐसे इवेंट और उसी रस्म को आप आगे बढ़ा रहे हो अभी, इंशाल्लाह आगे तक बढ़ता ही। हाजी साहब, जैसे ये गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर और वहाँ तक और उत्तर प्रदेश और बिहार और तीन स्टेट बता रहे हैं, वहाँ तक ये कारवां है आपका पहुँच चुका है, अब तो ये सिलसिला बढ़ता जाएगा, तो कोई क्राइटेरिया तय करना पड़ेगा फिर आपको? नहीं, कुछ नहीं, क्राइटेरिया तो सब यानी कि तय करना पड़ेगा कि जब अल्लाह नहीं देंगे, अल्लाह इस कामों के लिए देता है, अल्लाह इस कामों के लिए देता है तो हम यानी कि लगाते रहते हैं, हम है ही कौन लगाने वाले, ऊपर वाले दे रहा है।
सिर्फ जरिया बना रहा है। क्या क्या कह रहे हैं आप? अल्लाह ताला ने एक जरिया बनाया है, बच्चों का सबका नसीब है। तादाद तो बढ़ती जाएगी इनकी? बढ़ती जाएगी, अल्लाह ताला इनके नसीब का हमको दे रहे होगा, वो कौन जाएगा। माशाल्लाह, मैं परसों इंटरव्यू कर रहा था जी साहब का, तब भी ये कह रहे थे ये बहुत बड़ी बात है कि हम होते कौन है देने वाले, रब्बुल आलमीन ने जो दिया है, अल्लाह ताला ने दिया, इनके नसीब का दिया, उसी में से हम दे रहे हैं, और इनके नसीब का जो हमारे घर में उतरा है वो लग के रहेगा। तो तादाद बढ़ जाए, स्टेट की राज्य की सीमा को पार करके उत्तर प्रदेश, बिहार और एक अन्य राज्य और बीकानेर की शहनाज जाएगी हनुमानगढ़, तो लगभग पूरा राजस्थान उत्तर से लेकर दक्षिण पूर्व से लेकर पश्चिम तक इस कार्यक्रम का लाभ उठा रहा है, सामूहिक युवा सम्मेलन का लाभ उठा रहा है। रिश्ता आपको करना है सिर्फ, उसके बाद का काम पूरा किसको करना है? रिश्ते के बाद का देवड़ा परिवार करता है। ये जरूरत का सामान दुल्हन का ये देकर और यहाँ से विदा करते हैं। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर महिलाओं ने पुरुषों ने भाग लिया है। रिश्ता आप करो और शादी देवड़ा परिवार करेगा। इस कंडेला की लड़की है या लड़का है? लड़की है, लड़की है। और लड़का? लोसल का कंडेला है, तो लड़का है? लोसल का नहीं, लोसल का लड़का है और लड़की खंडेला की है। लोसल और खंडेला इस इवेंट में शामिल है। अस्सलाम वालेकुम, नाम आपका? अफसाना। कहाँ से आई हैं आप? फतेहपुर से हो, तो आप दूल्हा दुल्हन के परिवार से हो क्या? दूल्हे वाले से। दूल्हे वाले से हो, तो रिश्ता आपने किया और शादी देवड़ा परिवार कर रहा है। अच्छा, तो लड़का कहाँ का है? लड़का कहाँ का है, लड़की कहाँ की है? लड़का है नवलगढ़ और लड़की फतेहपुर की, खंडेला की। वेरी गुड, खंडेला काफ़ी दूर है यहाँ से, दूर दराज से भी लोग इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। ये देवड़ा परिवार फोटो शूट कर रहा है, आयोजक है रहमते मुनव्वर खिदमते खल्क। इसमें रहमते मुनव्वर, रहमत इनकी वालिदा का नाम है, मुनव्वर वाली साहब का नाम है, दोनों नाम आगे। सामूहिक युवा सम्मेलन फतेहपुर शेखावाटी में संपन्न हुआ है। देवड़ा परिवार की तरफ से चार राज्यों के और राजस्थान भर के लोगों ने इसमें शिरकत की है। बीकानेर की लड़की हनुमानगढ़ जा रही है और लोसल की खंडेला। रिश्ता आप खुद को करना है और शादी है वो देवड़ा परिवार करेगा। लास्ट ईयर 21 जोड़ों का सामूहिक निकाह सम्मेलन यहां पर आयोजित किया गया था और आज 25 जोड़ों की शादी यहां होने जा रही है। ये हाजी महबूब देवड़ा की वालिदा मोहतरमा है रहमत बानो और परिवार के सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नाम? नरगिस। किन की लड़की हो आप? अकरम जोड़, बहू हो गया यहाँ की। अनवार साहब की, महबूब साहब की? भांजी हो आप। अच्छा, वेरी गुड। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए बोलता राजस्थान। इस नए काम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपसे गुजारिश रहेगी। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।